आ जाओ दोस्तों चेरी ब्लॉसम के फाइनल पार्ट में। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो चेरी के पेड़ हैं इनकी उम्र कितनी है। तो यार ये जो चेरी के ट्रीज हैं, एक जापानी कंपनी ने 1990 में या 1990 में जो वैंक्यूवर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको वॉशिंगटन के स्टेट बनने के जब 100 साल पूरे हुए थे तो उस कंपनी ने ये 100 चेरी ट्री जो थे वो गिफ्ट किए थे। तो लगभग 30 साल की उम्र है इनकी और ऑन एन एवरेज जो है वो चेरी ट्रीज की एज जो होती है वो 100 साल तक होती है अगर आप उसको केयरफुली उनको मेंटेन करके रखा जाए। बहुत सारे लोगों ने मेरे को जवाब दिए, किसी ने कहा कि 100 साल, किसी ने कहा 400 साल, किसी ने कहा 500 साल, किसी ने कहा 150 साल और बहुत सारे लोगों ने अंदाजे लगाए। तो यार जितने भी लोगों ने जवाब दिया ना मेरे सवाल का, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग सवालों को सुनते हो, उसका जवाब देते हो। और जो ये जगह है जहाँ पर ये लगे हुए हैं पेड़, इसका नाम है वैंकूवर सेंट्रल पार्क। और देख लो हमारी तरीके के एक और शौकीन है, कैमरा लेके घूम रहे हैं भाई साहब फोटो खींचते हुए, हम वीडियो बना रहे हैं, वो स्टिल फोटोग्राफर हैं। एक समय था हम भी ऐसी थे इनकी तरह, कैमरा लेके घूमते थे, फोटो खींचा करते थे। और इस समय भी मेरी ऑनलाइन 1800 से ऊपर जो फोटोज़ हैं वो सेल के लिए लगी हुई हैं। एक साइट है जिसका नाम है dreamstime.com, उसके ऊपर मेरी फ़ोटो है 1800 करीब। लेकिन फिर ये भूत सवार हो गया वीडियो बनाने का, तो अब वो कैमरा जो है कूड़े में पड़ा हुआ बिल्कुल। और मैं अब सारे वीडियो जो है अपने फ़ोन से ही बनाता हूँ। और मेरा पास जो फ़ोन है उसका नाम है गूगल पिक्सल 3 XL, और स्टेबिलिटी के लिए मैं मोजा मिनिमी गिम्बल यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा वीडियो यूज़ करते हो, सॉरी कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, तो उन सब के लिए मेरा ये जवाब है। और अगर कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो आप, और आपको काफ़ी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। अब ये मत कहना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूँ, हैं यार कुछ वीडियो अच्छे और शुरू के कुछ वीडियो जो हैं बहुत ही ख़राब हैं, पर अब थोड़े बहुत ठीक ठाक बनने लगे हैं वीडियो। तो जगह देखो आप, और अभी आज से कोई लगभग 8 या 10 दिन के बाद फिर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, तब जब यहाँ का नज़ारा होगा अलग ही होगा, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। और अमेरिका में जो फूलों वाले मैं पेड़ आपको दिखाता हूँ उनकी कहानी है कि जब पतझड़ के बाद स्प्रिंग की शुरुआत होती है तो पहले तो पूरे पेड़ जो हैं फूलों से लद जाते हैं, और जब फिर उनके पत्ते सब फूल गिरने लग जाते हैं तभी उनकी पत्तियाँ भी साथ साथ आनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो हरे हो जाते हैं बिल्कुल। तो मैं 8 से 10 दिन बाद दोबारा आऊँगा और आपको दिखाऊँगा फिर यहाँ का नज़ारा, और शायद वो वाला नज़ारा अगर मैं टाइम से उसको कैप्चर कर सका राइट टाइम पर आकर तो शायद वो इस सबसे अच्छा नज़ारा होगा जो आपको देखने को मिलेगा इस जगह का। तो जगह जो है वो सेम है लेकिन डिफरेंट एंगल से दिखा रहा हूँ, तो डिफरेंट एंगल से देखने पर उसकी खूबसूरती अलग होगी बिल्कुल, क्योंकि 100 पेड़ लगे हुए हैं और एक तरफ से एक बार में कैप्चर किया था पिछले वीडियो में मैंने, और अब मैं डिफरेंट एंगल से उसको कैप्चर कर रहा हूँ। और ये देखो आपको दिख भी रहे होंगे जो गुलाबी पत्तियाँ हैं नीचे गिरने शुरू हो गई हैं इनकी, शायद हफ्ते भर में हो जाएंगी सब गिर पड़ेंगी। कोशिश करूँगा कि आ सकूँ राइट टाइम पर। और ये जो पेड़ों की रो है उनके बीच का जो गलियारा है, चलो घुमाते हैं अपने साथ में आपको। पेड़ लगभग 30 साल की उम्र है इनकी पेड़ों की लगभग इस समय। आई होप ये डिफरेंट एंगल जो है अच्छा लगेगा कुछ लोगों को। समय शाम का है, मैंने बताया था आपको 7:30। आने वाले समय में 9:30 बजे तक भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी आराम से, क्योंकि धूप निकली रहती है या लगभग ऐसे ही बिल्कुल लाइटिंग की यही कंडीशन होती है जिस समय आपको देखने को मिल रही है। 9:30 बजे भी रात को यही कंडीशन होती है आने वाले समय में।
और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो लाल लाल गोले से बने हुए पेड़ों के नीचे क्या है। तो यार देखो, एक दाढ़ी बनाने का ट्रिमर आता जिसे ट्रिम करते हैं दाढ़ी, एग्जैक्टली वैसा ही तो नहीं होता है, लेकिन एक ट्रिमर होता है जिससे ये जो पेड़ के चारों तरफ एक घास को सारी उड़ा देते हैं उस ट्रिमर से, घास को सब उड़ाने के बाद में। और ये हर जगह होता है, जहाँ पर भी यहाँ पर ये लोग पेड़ लगाते हैं। और उसके बाद लकड़ी की जो डंडियाँ होती हैं, एक मशीन में डाल के उनके छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं, जिसको यहाँ पर की भाषा में बोलते हैं मल्च। और फिर उस मल्च को ये सर्किल में पेड़ों की जड़ के चारों तरफ बिछा दिया जाता है, जिससे कि खूबसूरती जो है वो पेड़ों की बढ़ जाती है। और यहाँ पर मेंटेनेंस का हर एक चीज़ की बहुत ध्यान रखा जाता है। और जहाँ पर भी इस तरीके के बड़े बड़े पार्क हैं या उसमें ये आपको मैदान दिखाई दे रहा है, रेगुलरली हर वीक में घास कटती है। और कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको बड़ी जंगली तरह की तरह घास बड़ी हुई दिखाई दे, कभी पॉसिबल ही नहीं यहाँ पर, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ या जिस शहर में मैं रहता हूँ। और मैं पहले बता ही चुका हूँ कि जो बेहतरीन स्टेट है यहाँ की 10 वाशिंगटन स्टेट की, उसमें कहीं गिनती नहीं है। उससे आप गैस कर सकते हो या अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी स्टेट जो होंगी अमेरिका की, उनकी खूबसूरती का क्या जलवा होगा। कभी मौका मिला तो किसी स्टेट में जाऊँगा और देखो वीडियो बनाऊँगा आने वाले समय में, थोड़ा नया कुछ करने की कोशिश करी यार वीडियो में, धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक और खुशखबरी है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया वाली। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो आएगा मिनी हॉलैंड इन अमेरिका। हॉलैंड का नाम या डचलैंड का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, और वो अपने ट्यूलिप के गार्डन के लिए मशहूर है सारी दुनिया में। तो यहाँ पर भी एक मिनी हॉलैंड है अमेरिका में, उसका वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो मेरे पास रेडी है, बस मुझे उसकी एडिटिंग करनी है, एडिट करके मैं उसको लगाना है मेरे को, देखो कितना वक्त लगता है। तो आपको मज़ा आएगा देख के, उसकी छोटी सी मैं उसका ट्रेलर डाल दूँगा, तो उससे आप गैस कर सकते हो कि कैसी जगह है। लोगों की शिकायत होती है कि लोग नहीं दिखते हैं, देखो एक आध लोग दिख गए यार, लोग यहाँ इसलिए दिखते ना देखो कि यहाँ पर आबादी बहुत कम है, बहुत ही कम। पार्क वार्क में जो है लोग दिख जाएंगे आपको। और मैं भी आने वाले समय में अपने शहर में जहाँ मैं रहता हूँ वैंकूवर में, पता नहीं कितने पार्क हैं यार, अनगिनत, सही बता रहा हूँ, ह्यूज पार्क, एक से एक बड़े। और देखो पत्ते गिरने लगे, वो आपको दिख भी रहे होंगे, पंखुड़ियाँ जो हैं सफ़ेद सफ़ेद नीचे पड़ी हुई हैं। थोड़े से दिन की बात है, बस एक नया लुक दिखेगा इस जगह का आपको। और यार वीडियो आप लोग जो नए हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक बेल आइकन होता बना हुआ या घंटी का निशान होता, उसको दबाया करो ताकि जो नए वीडियो हो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच सकें। पत्तियां खेल रही हैं देखो आपस में, एक दूसरे के साथ भाग दौड़ कर रही हैं, बीच बीच में दिख जाएंगे भागती हुई इधर से उधर आपको। कुछ समय पहले जब मैं वीडियो लगाता था तो पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं होती थी, तो लोग कहते थे कि वहाँ पर पेड़ों पर पत्तियाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मैंने उनसे कहा था अभी वो वक्त आने दो, तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वो वक्त आ गया है जब उन पर पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं, अभी पूरी मैच्योर नहीं हुई हैं पत्तियाँ, लेकिन हाँ आ गई हैं पत्तियाँ। और सुनहरी धूप सूरज डूबने से पहले की, नेचर प्रेमियों का वीक। और हो सकता है अगले वीक से मैं हर हफ्ते एक वीडियो नेचर पर लगा ही दूंगा, कोशिश करके, प्रॉमिस नहीं है कोई पक्का। अब यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारे चेरी के नए पेड़ लगा दिए, तो कुछ सालों के बाद जो छटा है वो अलग ही होगी निराली। और यार देखो, जब मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ किसी बात को तो 10 मिनट के अंदर
बहुत सारी बातें दुनिया की, सब कुछ तो आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो ना, कभी कुछ छूट जाता है और कभी कुछ गलत बोल दिया जाता है कोई बात, तो उसके लिए तो मैं हमेशा आपसे ही कहता हूँ यार एक्सक्यूज मी प्लीज, है ना। तो वो गलती हो जाती है यार, उसको इग्नोर करो आप प्लीज, और वीडियो को आनंद लो, और मेरी कमियां जो है उसको बताना मेरे को तो, और कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ अपने वीडियोस को। बाकी अभी आज है सैटरडे, तो हो सकता है कि कल आपको जो मेरा ट्यूलिप का ट्रेलर है वो देखने को मिल जाए। तो चलो फिर, फिलहाल तो इस वीडियो को आनंद लो आप, और मे बी संडे को या फिर मंडे ट्यूसडे में किसी दिन ट्यूलिप गार्डन वाला वीडियो लगा दूंगा। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर देना दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और एक्सप्लेनेशन में या बोलने में जो गलती हुई है उसके लिए माफी। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, बाय।